करा था आपके काफी मंजरी पाठ्य पुस्तक से। सो उसी मैंने शायद फर्स्ट है ना, पहला दूसरा यानी दो पैराग्राफ हमने कर लिए थे, अब तीसरे चौथे हम करते हैं आज। नागार्जुन द्वारा रचित ये कविता बादल को घेरते देखा है। अगला पंक्ति चलते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाइयों पर अलग नाभि से उठने वाले नीच के ही उन्माद परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं, उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं, क्योंकि कवि ने हिमालयों के कई बार उन्होंने यात्रा की, कई बार अपने प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए वो चले गए थे। सो जो कुछ वहां देखा उसी का यहाँ कविता के द्वारा उन्होंने रचा, क्योंकि उनके अंदर इतनी सारी भावनाएं उन प्राकृतिक चित्रों को चरित्र को देख के, प्राकृतिक सौंदर्य को देख के, प्राकृतिक मनमोहक को देख के इतनी सारी भावनाएं उभर आई थी कि वो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने अभिव्यक्ति कर ही डाली और उन्होंने अभिव्यक्त अपने रचना के द्वारा करे। वो कहते हैं उस समय के दौरान उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर उनकी व्याख्या, कवि कहते हैं कि जैसे कवि कहते हैं कि जो सैकड़ों हजारों फुट ऊंची बर्फ से ढकी घाटी है, वहां मानव के लिए पहुंचना सरल नहीं है। वहां ऐसा मृग पाया जाता है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी वह जो उसकी सुगंध उसे स्वयं यानी मृग को ही पागल कर देती है, वह उसे दिखाई नहीं देती है, मृग को दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसकी सुगंध उसे उन्माद अर्थात पागलपन कर देती है। वह उसे खोजने के लिए उसकी सुगंध की तलाश में खोजने के लिए वो कहां कहां नहीं दौड़ता, पहाड़ों के कहां कहां बड़े बड़े ऊंचाइयों में कहां कहां वो नहीं भटकता, सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाइयों में कहां कहां वो नहीं भटकता। वह युवा मृग दौड़ता रहता है पर उसे उस कस्तूरी की प्राप्ति उसे नहीं होती। उस समय कवि ने उसे स्वयं पर चिढ़ते हुए देखा है, मृग अपने ही अंदर छुपे हुए उस कस्तूरी की सुगंध को पाने के लिए वो दर दर भटकता है, बड़े बड़े ऊंचाइयों में वो भागता फिरता है उस सुगंध की तलाश में, किंतु उसे प्राप्त नहीं होती। और वह उस प्राप्त ना होने के कारण कस्तूरी अपने आप पर, मृग अपने आप पर चिढ़ते हुए देखा है, कवि ने कहा है। और कवि कस्तूरी के द्वारा प्रतीक बनाकर कवि स्वयं अपने ही व्यंजना को मर्म स्पर्श से करते हैं। कवि के इन यात्राओं के दौरान, इन भ्रमण के दौरान कवि की भावों में इतनी अधिकता आ गई थी है ना, इतनी ज्यादा फीलिंग्स उनके अंदर उभर आई कि वो एक्सप्रेस करने के लिए अर्थात अभिव्यक्ति करने के लिए वो असमर्थ रहे। इतनी सारी है उनके अंदर उस सुंदरता, हाँ प्रकृति की जो भी कुछ देन है, उन देन को बखान करने के लिए, क्योंकि कवि स्वयं जाके वहां महसूस की है, स्वयं जाके हर चित्र को उन्होंने अपने अंदर भोगा है, इसलिए उस मृग के समान कवि के अंदर इतनी सारी भावनाएं उभर आई, किंतु वो अपने अभिव्यक्ति करने में वो असमर्थ होने पाई। इस बात से वो स्वयं चिढ़ते हुए, कवि स्वयं ही चिढ़ते हुए समान मृग के ये दिखाई गई है। अगला चलते हैं। कहां गया गणपति कुबेर, वहां कहां गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रभावी गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघ दूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया मैं परस पड़ा होगा
जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण चारों में नव चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझावील से गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कुछ पंक्तियों में जो है आए हुए शब्द कठिन शब्द, उनके अर्थ है व्योम प्रवाही से मतलब आकाश में बहने वाली। मेघदूत यानी कालिदास जी द्वारा रचित पुस्तक, कवि कल्पित यानी कवि के द्वारा कल्पित, भीषण भयंकर झंझावील तूफान। अब उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि धन का स्वामी कुबेर, कुबेर को धन का स्वामी कहते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी उन्हें नहीं मिला, इतनी ऊंचाइयों कभी पहुंच गए लेकिन फिर भी उन्होंने धन का स्वामी से मुलाकात उन्होंने नहीं की। कवि कहते हैं कि इसी हिमालय पर धन के स्वामी कुबेर का निवास माना जाता है, पर आज उसका कोई अता पता नहीं, आज कुबेर की राजधानी अलका का भी कोई चिन्ह शेष नहीं है, कोई चिन्ह शेष नहीं है। रचना कालिदास की रचना मेघदूत में किया है, कहां गई वो सब। कालिदास ने जिस आशंका आकाश गंगा की बात की है, बहुत खोजने पर भी वह स्थान कवि को नहीं मिली, आसमान में बहते जल का भी कोई ठिकाना नहीं मिला, वह मेघ जिसे यश ने दूत बनाकर भेजा था, ये सारी चीजें जो है कालिदास ने अपने रचना मेघदूत में वर्णन किया है। कवि कहते हैं ये सारे कुछ मुझे नहीं मिला वहां, उस मेघ का भी कहीं पता नहीं लगा, कौन उसका पता बता सकता है, वह तो छाया मात्र था, छाया मात्र से मीन्स रहस्यमय था, पता ना लगा सकने वाला, छुपे रुस्तम रहस्यमय, शायद यही बरस कर अपना अस्तित्व ही खो चुका होगा। कवि अपना ध्यान वहां से हटा लेते हैं क्योंकि वह तो कवि की कल्पना मात्र थी, लेकिन कवि ने भयंकर सर्दी के मौसम में आसमान को छूने वाली कैलाश पर्वत की चोटी पर बड़े बड़े बादलों को तूफान के कारण भयंकर गर्जना के साथ आपस में टकराते हुए देखा है। कवि के भावों में, विचारों में और अनुभवों में सच्चाई है। कवि ने बादलों को हिमालय पर घिरते हुए देखा है, विशेषता विशेष के अंदर कवि कहते हैं मेघदूत में कालिदास ने यक्षों के अधिपति कुबेर द्वारा अलकापुरी से दंड के लिए निष्कासित और विरह से व्यथित एक यक्ष के द्वारा मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रियतमा को संदेश भेजने की उत्प्रेक्षा अथवा कल्पना की है। निष्कासित यक्ष नागपुर के पास रामगिरी, वर्तमान में रामटेक कहा जाता है, में निवास करता है। आषाढ़ के पहले दिन उत्तर की ओर जाते हुए मेघों को देखकर वह अपने प्रियतमों को संदेश भेजता है। कालिदास ने मेघ को चेतन मानने की कल्पना करके एक सुंदर खंड काव्य की रचना की है। मेघदूत से कालिदास से मतलब ये है। अब देखते हैं अगला पंक्ति में, शत शत निर्झरणी कल मुकरित देव दारू कानन में शोषित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे इंद्रदील की माला डाले, शांत सरीखे सुघर गलों में कानों में कुबलय लटकाए, शत दल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कला मय, पान पात्र राक्षस पुरीति रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की द्रिपदी पर नरम निधान भाव कस्तूरी मृक्षारों पर पलती मारे, मदिरानु आंखों वाले उन उन्मत किन्नर किन्नरियां की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फेरते देखा है, बादल को घेरते देखा है। यहाँ पे जब कवि ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद कवि ने जब तिब्बत की यात्रा की थी, उस समय उन्होंने 1939 में यह कविता लिखी थी। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद जब वो तिब्बत की यात्रा में गए, उन दिनों 1939 में
उन इस कविता को उन्होंने रचा है सुतिपत की यात्रा के दौरान। कवि कहते हैं उपयुक्त पंक्तियों में कि किन्नर किन्नरिया से मतलब हिमाचल है ना। कवि कहते हैं कि देवदार के जंगलों में सैकड़ों झरने प्रवाहित होते हैं जिनकी आवाज से पूरा जंगल गूंजता है। सैकड़ों झरने उस पहाड़ से बहते हैं और गूंजते हैं पूरे जंगल में। वही लाल सफेद भोज पत्थरों से ढककर अनेक कुटिया बताई जाती है। उन कुटियों में किन्नर किन्नरिया रहते हैं। एक जाति है किन्नर किन्नरिया। वे अपने बालों को रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों से सजाते हैं अर्थात गजरे लगाते हैं। अपने गले में इंद्र नील अर्थात नीलम की मणियों की माला पहनते हैं। उनके गले शंख के समान है, पतले से है शंख के समान। नील जो मणियों को है ना, नीलम की मणियों को वो गले में डाले, शंख के समान है उनके गले। वे अपने कानों में कमल के फूल पहनते हैं। अपनी चोटी में शतदल अर्थात 100 पंखियों वाले लाल कमल को लगाते हैं। उनकी दीपाया लाल चंदन की लकड़ी से बनी है। पान पात्र चांदी के बने हैं। वो पान खाते थे वहां, ये किन्नर किन्नरिया, तो चांदी के पात्रों में उनके पान रखे जाते थे जिनमें बहुत सुंदर ढंग से विभिन्न प्रकार की मणियों से जड़ी हुई होती है वो चांदी के पात्र। उन पान पात्रों अर्थात गिलासों में अंगूर से बनी मदिरा भरी हुई है। ये गिलास उनके सामने रखी तिपाई पर रखे हैं। वे कोमल गरम छोटे कस्तूरी मृग की छाल पर पालती मारकर कोमल छोटे पतली सी मृग की छाल के ऊपर वो अपने पालती कस के बैठे हैं और वो मदिरा पान करते हुए उनके वहां की जो लोकगीत है गीत को गाते हुए वो मस्त होकर बांसुरी बजा रहे हैं। कवि ने उनकी कोमल सुंदर उंगली या वंशी के छेदों पर फिरती हुई देखी है। कवि ने बादलों को घिरते देखा है, वह कल्पना मात्र नहीं वाकई में, क्योंकि उन्होंने वहां की यात्रा कर ली थी। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद उस तिब्बती की यात्रा करने के कारण जो कुछ भी वहां दिखाई दी, वहां की जो विशेष जो भी किन्नर किन्नरिया की रहन सहन, वहां की जो समाज है, वहां की जो संस्कृति है, उसको उन्होंने देखा है। कभी कहते हैं इन सारे पंक्तियों के द्वारा, जितने भी कविता के पंक्तियां थी उन कविता के पंक्तियों से वो कहते हैं कि प्रकृति की जो सुंदरता है, सौंदर्यता है, मैंने बहुत करीब से निहारा है, इतना करीब से निहारा है कि मेरे अंदर इतने सारे भाव उभर आए कि मैं अभिव्यक्त करने में असमर्थ हूँ। उस मृग के समान जब वो अपने ही अंदर छुपे हुए कस्तूरी की जो गंध है, नशीली जो गंध है, उस गंध को पाने के लिए वो भागती फिरती है, उसी प्रकार कवि भी अपने इन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए वो भी आतुर है, वो भी एकदम कोशिश में है किंतु वो असमर्थ रहते हैं। इतने सारे फीलिंग्स है किंतु वो असमर्थ है। इस प्रकार आज ये कविता यही समाप्त होते हैं। पैराग्राफ आपके व्याख्या प्लीज जरूर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना, धन्यवाद।